बार जो है बसपा ने उत्तरी विधानसभा सत्र में पार्टी के रूप में उतारा है, कितने मजबूत लग रहे हैं और किस तरीके तरीके से? ये शब्बीर अब्बास जी नहीं, ये मान सम्मान स्वाभिमान की बात है। बहुजन समाज पार्टी ने जो मान सम्मान स्वाभिमान मुस्लिम समाज के लोगों को दिया है, मैं ये चाहूँगा कि सर्व समाज के साथ साथ हमारे मुस्लिम समाज के भाई सब मिलकर इस विधानसभा पे ऐसा गुलदस्ता मोहब्बत का तैयार करें, भाईचारे का तैयार करें, जो फिजाएं हैं उन फिजाओं को जो जहर घोला जा रहा है उन जहर घोलने वालों के खिलाफ वोट करें और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शब्बीर भाई को जिताने का काम करें, जिससे आपस में भाईचारा और प्रेम सद्भाव बढ़ेगा। जी, बीजेपी का किला माना जाता है उत्तरी विधानसभा, यहाँ से बीजेपी जीतती जा रही, पहले कांग्रेस जीती। हमने बड़े बड़े किले तोड़े, हरदवन जी का भी किला हमने ही तोड़ा था 2007 में, हमारे प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का जीता था। और फिर नोट करो, अभी जिसको हमने लड़ाया 26 साल का निषाद समाज का लड़का है और इंशाल्लाह वो भी जीत रहा है वहाँ से। किला देखो, किला उसको कहते थे कि पहले रानी के पेट से निकला वो राजा बन जाता था, अब तो जिसको चाह राजा बना दे, पब्लिक के हाथ में है, वोट से बनते हैं राजा। लोग अभी वोट निकल के डालने लगे वही राजा बन जाता है। जिस तरीके सपा जो है भाई साहब, सपा मुस्लिमों को बैंक वोट बताती है लेकिन टिकट देती नहीं है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इसका असर भी पड़ेगा समाजवादी पार्टी को वोट करने, मुसलमान तैयार रहता है? समाजवादी के कतनी और करनी में फर्क है और हमेशा से रहा है, सभी लोग जानते हैं। 2002 में हमारी सरकार चल रही थी, हमने भारतीय जनता पार्टी ने हमें समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आप हमारे संग आने वाला लोकसभा 2004 का चुनाव लड़ो, हमने समझौता नहीं किया, हमने इस्तीफा दे दिया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष ने बहुमत भी ना होते हुए मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बना दिया था, साफ संकेत है, सब जानते हैं लोग। अघोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में लोग काम कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है। ईमानदारी से अकेले दम पे हमारी तरह लोग चुनाव लड़े, पानी का पानी दूध का दूध हो जाएगा। तो आपको लगता है कि बीजेपी ने हवा बनाई है कि सपा जीत रही है? देखो, ऐसा होता है, आपने देखा होगा कुश्ती लड़ी जाती है तो कुश्ती बराबर के लोगों से लड़ी जाती है, तो उन्होंने क्या करा, तीसरे नंबर वाली पार्टी को फाइट में दिखा दिया मुसलमान को गुमराह करने के लिए, जबकि फाइट में बहुजन समाज पार्टी है, मुकाबला सीधा बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, और वो चल रहा है, देखना आप और आने दीजिए परिणाम, इस बार इतिहास बनने वाला है बिल्कुल इंशाल्लाह।